This awesome looking dish is baked rasgulla. The top golden crust aur andar se ekdam creamy aur soft. Baked rasgulla khane mein bahut acha lagta hai aur dekhne mein bhi utna hi acha lagta hai. To chaliye jhatpat dekh lete hain aaj ki recipe. Main Nutan Dutt, welcome back to my channel Delicious Khana Jhatpat Banana. बेक्ड रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 4 रसगुल्ले और इसको मैं सबसे पहले स्क्वीज करके इसका जो भी रस है वो निकाल देती हूँ और इसे एक हम ओवन प्रूफ डिश में रख लेते हैं। और अब इसमें डालने के लिए जो खीर हमें बनानी है उसे हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। कढ़ाई में 1-2 चम्मच पानी डालने के बाद मैं यहाँ पे दूध को डाल देती हूँ। पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि ये दूध नीचे कढ़ाई में ना लगे। अब इस दूध को हमें गाढ़ा करना है। हम इसे गाढ़ा करके करीब करीब हाफ वॉल्यूम तक ले आएंगे, मतलब 1 लीटर दूध जो है वो जब तक आधा लीटर ना बच जाए तब तक हम इसे गाढ़ा करेंगे। लेकिन अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करना चाहें तो आप इस खीर को कंडेंस्ड मिल्क से भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा 500 ml फुल क्रीम मिल्क या 2 कप्स फुल क्रीम मिल्क और उसमें 200 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके आप उसे 10 मिनट तक बॉईल कर लीजिए तो भी आपको यही कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। यहाँ हमारा दूध अब हाफ लीटर के आसपास बच गया है और एकदम अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो गाढ़ा करने में मुझे करीब 45 मिनट का टाइम लगा। और अब हम इस पे ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर यानी कार्डमम पाउडर। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3.5 टेबलस्पून शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस गाढ़े दूध को हमें रसगुल्ले के ऊपर डालना है ताकि सारे रसगुल्ले अच्छे से इस दूध में कोट हो जाए। If you are hungry for more such recipes, then please subscribe to my channel Delicious Khana Jhatpat Banana and press the bell icon and set this bell icon for all notifications so that you get latest notification of my videos. मैंने यहाँ आज 4 रसगुल्ले यूज़ किए हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी के दूध में आप कम से कम 6 से 8 रसगुल्ले डाल सकते हैं। इस डिश को बनाने के लिए हमने रसगुल्ले मार्केट से लिए हैं लेकिन अगर आप घर में रसगुल्ला बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी के लिए लिंक ऊपर दिया हुआ है। अब हम इसे बेक करेंगे। अगर आपके पास OTG है तो ठीक है और अगर आप माइक्रोवेव में करना चाहें तो आप माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में सेट कर दीजिए और इसे 180 डिग्रीज पे 7-8 मिनट्स तक बेक कर दीजिए। एक बार खोल के देख लेते हैं। ये रसगुल्ले तो एकदम बढ़िया हो गए हैं, ऊपर से ये ब्लैक मार्क्स भी आ चुके हैं। अगर ये मार्क्स नहीं आए तो आप 1-2 मिनट के लिए और बेक कर दीजिए। ये मार्क्स आने से ही ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस तैयार है बेक्ड रसगुल्ला और द डिश इज रेडी टू बी सर्व्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, share with your friends and family, set bell button for all notification. तो बहुत ही बढ़िया बेक्ड रसगुल्ले बने हैं और
मैं तो चली अब इसे खाने, तो आप भी अब इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए।